हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। जबरदस्त DLF साइबर सिटी गुड़गांव या गुरुग्राम हरियाणा में इंडिया का स्मार्ट सिटी तेजी से उभरता हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। और अभी हम हैं गुड़गांव में, ड्राइविंग कर रहे हैं, हम जाएंगे साइबर सिटी। और ये जो रोड है ये है मेहरौली गुड़गांव रोड। अभी हम गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से आगे निकल चुके हैं। ये फ्लाईओवर जो है ये कनेक्ट करता है NH 48 को यहाँ से साइबर सिटी होते हुए। और सामने जो आपको दिख रही है बिल्डिंग वही है साइबर सिटी जहाँ हम जाएंगे। लेफ्ट में आपको ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, दिस इज सिटी कोर्ट ऑफ गुड़गांव। ये एक यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जबरदस्त नजारे हैं। इससे पहले हमने हैदराबाद का रोड व्यू भी देखा था। ये सामने आपको एक ट्रैक जो दिख रहा है, दैट इज रैपिड मेट्रो ट्रैक। रैपिड मेट्रो अभी ये सेक्टर 54 से साइबर सिटी तक आती है। अगर आप येलो लाइन से आते हैं तो आप इस मेट्रो को सिकंदरपुर से ले सकते हैं। और अगर आप उतरना चाहते हैं साइबर सिटी तो इंडसइंड बैंक का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आप उतर सकते हैं। ये जो सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, दिस इज DLF फेज टू। यहाँ पे DLF फेज टू और फेज थ्री है। बहुत साफ सफाई है गुरुग्राम में भी। दिस इज द मेट्रो स्टेशन और यहीं से ये रोड टर्न करती है राइट की तरफ। अगर आप राइट चले जाएंगे तो आप साइबर सिटी के अंदर चले जाएंगे, और आप सीधा चले जाएंगे तो आप डायरेक्टली हाईवे NH 48 पे पहुंच जाएंगे जो कि जयपुर और दिल्ली को जोड़ता है। जयपुर और आप देखेंगे ऊपर से ये ट्रैक जा रहा है, ये ट्रैक सिंगल हो गया है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है ये। यहाँ से हम राइट को मुड़ेंगे और वी विल रीच इन टू साइबर सिटी। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ग्रीनरी से लेकर रोड की कंस्ट्रक्शन से लेकर सब चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। ग्रीनरी बहुत। और इसकी शुरुआत में अगर आप देखेंगे राइट में ऊपर की तरफ तो यहाँ पर रेजिडेंशियल टावर्स हैं। दीज आर द रेजिडेंशियल टावर्स और उसके आगे से ऑफिस एरिया शुरू होता है। एंड अगर आप ये ऊपर देखेंगे, दीज आर द एलिवेटेड वॉकवे जिनको ग्रीनरी के साथ बनाया गया है, विच इज़ ए फैंटास्टिक थिंग। यहाँ पे लगभग शायद 2 या 3 है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी ऑल द बिल्डिंग्स। ये यहाँ पर तकरीबन सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं। बहुत ही बड़ी वर्क फोर्स यहाँ पर आती है पर डे, इसीलिए यहाँ पर डेडिकेटेड रैपिड मेट्रो भी है। ये राइट में जो बिल्डिंग थी ये है साइबर ग्रीन्स गुड़गांव। यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स के अलग अलग नाम है, जैसे साइबर ग्रीन्स, गेटवे टावर, इन्फिनिटी टावर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर बिल्डिंग्स के नंबर्स भी हैं जो कि बिल्डिंग नंबर 1, 2 आई थिंक 14 तक आते हैं। जैसे सामने आपको जो बिल्डिंग दिखी है इसका बिल्डिंग नंबर है बिल्डिंग नंबर 9A, इसके लेफ्ट में 9B है, पीछे की तरफ बिल्डिंग नंबर 14 है। एंड ये लेफ्ट में शायद बिल्डिंग नंबर 10 है। सामने जो आपको दिख रहा है दैट इज़ गेटवे टावर ऑफ गुड़गांव। सो यहाँ पर साइबर हब भी यहीं पर है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो आपको साइबर हब भी मिलेगा। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल स्पेस इन एंटायर दिल्ली NCR। और ये लगभग 2008 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। सामने जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन ऑफ साइबर सिटी इंडसइंड बैंक जो कि हाईवे NH 48 पर आता है। इनफैक्ट अभी हम कनेक्ट कर चुके हैं NH 48 को। ये जो फ्लाईओवर आपको सामने दिख रहा है, दिस इज़ ये धोला कुआं से ये रोड आती है और आगे जयपुर तक जाती है। एंड ये जो रोड है दिस इज़ NH 48, इसके लेफ्ट में उद्योग विहार आ जाता है। और अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो टोल आ जाता है, उसके बाद दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा आगे जाने पर आपको एम्बियंस मॉल भी मिल जाएगा। वी आर टेकिंग द यू टर्न।
अगर आप धोला कुआं या एयरपोर्ट की साइड से साइबर सिटी आ रहे हैं तो आप इस रोड से एंट्री करेंगे। हम जिधर से आए थे वो मेहरोली गुड़गांव रोड से आए थे। एंड ये जो है, दिस इज द मेट्रो स्टेशन, इंडसइंड बैंक, साइबर पार्क। ये नजारा शानदार है, ग्रीनरी बहुत है, क्या बात है। साइबर सिटी में आपको सभी टॉप मोस्ट कंपनीज के ऑफिसेज मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, अट्रैक्टिव। ये जो सामने आपको नजर आ रही है, दिस इज बिल्डिंग नंबर 9A इन गुड़गांव। दिस इज इंफिनिटी टावर, ये हर बिल्डिंग मल्टी। एंड दिस इज बिल्डिंग नंबर 5, इसको एपिटोम भी कहा जाता है। एंड यू कैन सी द कंपनीज नेम, ऑल द टॉप क्लास कंपनीज आर अवेलेबल ओवर हियर, सबके ऑफिसेज हैं। दिस इज 9B, पीछे आपको दिख रहा है दैट इज बिल्डिंग नंबर 14 आई बिलीव। ये हर बिल्डिंग पे DLF क्यों लिखा हुआ है? ओ क्या बात है, ये ग्रीन वाली बिल्डिंग सबसे मुझे तो अमेजिंग लग रही है। साइबर सिटी को और खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के एलिवेटेड पाथवेज। अगर आपको यहाँ पर रोड को क्रॉस करना है तो आपको इन्हीं को यूज करना पड़ेगा। और दीज आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑफ एलिवेटेड पाथवेज इन एंटायर गुड़गांव। बहुत साफ सफाई है, इतनी सफाई देख के तो कभी कभी शक भी होता है कि ये इंडिया ही है, लेकिन सच में इंडिया ही है। साइबर सिटी की एक और खासियत है कि यहाँ पर आना बहुत आसान है, इट इज इजीली एक्सेसिबल। अगर आप मेट्रो से यहाँ आना चाहते हैं तो रैपिड मेट्रो यहाँ पर आपको छोड़ती है। अगर आप अपने कन्वेंस से आना चाहते हैं तो दैट इज आल्सो इजी। यहाँ पर पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्लस अगर आप ओला उबेर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हर वक्त ओला उबेर मौजूद रहती है। बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड ऑफ दिस लोकेशन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स आती है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम्स टू दिस एरिया आर ईदर फ्रॉम दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद। और यहाँ पर प्रॉपर साइड वॉक्स बनाए गए हैं, अगर आप यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइबर हब भी बनाया गया है, जहाँ पर आप खाने का, अगर आप शौकीन हैं तो आप वहाँ पर खा भी सकते हैं। ट्रैफिक इतनी नहीं है, बिल्डिंग ज़्यादा हैं और ट्रैफिक कम है, पार्किंग का भी मसला नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। ICICI Bank, कमाल नज़ारे हैं, ज़बरदस्त है जी। इंडिया का इमर्जिंग स्मार्ट सिटी गुरुग्राम, दिल्ली के बिल्कुल पास है, वीडियो ऑनर भी यही बता रहे हैं। इस बिल्डिंग पे भी DLF लिखा हुआ है। ये ब्लू बिल्डिंग, क्या बात है, ये तो वो रिहायशी इमारत है, रेजिडेंशियल। कमाल नज़ारे हैं, इंडियन ऑयल, इस तरह यहाँ पर PSO है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप मुझे वहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय। थैंक यू वीडियो ऑनर का, जिन्होंने ऐसी ज़बरदस्त जगह दिखाई, कमाल है, हर चीज़ अमेजिंग थी, ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। गुरुग्राम इससे पहले एक वीडियो में हमने ड्रोन व्यू में देखा था, लेकिन रोड ट्रिप में, टूर में तो सच में हैरान कर देने वाला है। एक से एक बिल्डिंग अमेजिंग थी, बहुत ज़बरदस्त थी, साफ सफाई का इंतज़ाम इंतहा का ज़बरदस्त था। और कुछ देर के लिए तो ऐसा लग रहा था कि हम शायद इंडिया में ही नहीं है, लेकिन ये एक रियलिटी है कि हम इंडिया के शहर गुरुग्राम को देख रहे थे, जो बड़ी तेज़ी से उभरता हुआ स्मार्ट सिटी है। और जिस तरह वीडियो बता रहे थे कि बड़ी बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर
इस शहर में बनाए गए हैं, ये दिल्ली के पास है। इसी तरह एक शहर और भी है नोएडा, वो भी अपनी जगह बहुत शानदार है। गुरुग्राम सिटी देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक छोटी सी बात जो समझने में आ रही थी कि शायद ये इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा मैं इसको एक्सपेक्टेड कर रहा था, लेकिन फिर भी अपनी जगह था, बहुत शानदार। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि हर बिल्डिंग के ऊपर, तकरीबन हर बिल्डिंग के ऊपर DLF लिखा हुआ था, बहुत शानदार था। और ग्रीनरी का भी बेहतरीन इंतज़ाम था। इसके साथ साथ जो एक और अच्छी बात थी वो ये कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़बरदस्त था, कोई इतना रश नहीं था, और पार्किंग भी कोई इशू नहीं है इस शहर में। इससे पहले हमने हैदराबाद एक वीडियो में देखा था, वहाँ पर रश अच्छा खासा था, इतना भी ज़्यादा नहीं था कि बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो, लेकिन गुरुग्राम की निस्बत तो अच्छा खासा था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग इंडिया का उभरता हुआ शहर गुरुग्राम देखा, जो दिल्ली के पास है और स्टेट हरियाणा में है। देख के बहुत अच्छा लगा, सजेशन करने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रहना चाहते हैं तो अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।